तो बच्चों ये क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज और टिग्नोमेट्री का मिक्स था तो हमें ये चीज़ ड ये एक्सप्रेशन इज़ अ रूट ऑफ दिस अच्छा इसके रूट्स तो हम निकाल ही सकते हैं टी माइनस वन इंटू टी माइनस एट बराबर ज़ीरो तो इसके रूट्स वन या एट हैं राइट अच्छा ये चीज़ ज़ीरो तो है नहीं पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये वन तो वैसे भी हट गया यानी कि हमारे पास जो रूट्स आए वो है कि एट बराबर ई e के ऊपर ये एक इन्फानेट जीपी है तो कॉस्क्वेयर थीटा अपॉन वन माइनस कॉस्क्वेयर थीटा ठीक है और ये लॉग टू खैर चल रहा है सो एट इज इक्वल टू ई के ऊपर लॉग टू और ये क्या बन जाएगा कॉट स्क्वेयर थीटा सो हमें मिल गया कॉट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ई के ऊपर लॉग सॉरी टू के ऊपर माई बैट हमें मिल गया एट बराबर टू के ऊपर तो हटा देंगे और हम केवल टेन थीटा बराबर वन बाय थ्री एक्सेप्ट करेंगे यानी कि थीटा की वैल्यू फाइव बाई सिक्स है अब ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है ये एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं तो Half, ये है, वैसे बच्चे अपने आप भी निकाल सकते हैं 3 3 2, solving, तो मेरी नजर में एक आसान क्वेश्चन है साधारण सा सीक्वेंस इन सीरीज का और बच्चों ने इसे कर लिया होगा तो बच्चों ये वेक्टर्स के क्वेश्चन की प्रॉब्लम uh, है क्वेश्चन क्या दिया था सी इज कोप्लेनर विद ए एंड बी तो सी ए और बी से आज कोप लेनर है और परपेंडिकुलर है बी के साथ तो यूं तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट देयर इन जेई मेन्स सिलेबस तो जेई मेन्स के हिसाब से तो हमें सी इज इक्वल टू लैमडा ए प्लस म्यू बी करना चाहिए और फिर ये दो कंस्टेंट्स दे रखे हैं एक बार हमें ए के साथ डॉट कर देना चाहिए एक बार बी के साथ डॉट कर देना चाहिए ये दोनों चीज़ें यूज करते हुए हम लैमडा म्यू निकाल सकते हैं तो ये तो जेई मेन्स के अंदर रहकर अगर हमें करना है और क्योंकि अपन क्लास के अंदर VTP पढ़ते ही इसलिए कि जैसे अपना शॉर्टकट में काम हो जाए तो ए और बी से परपेंडिकुलर ए और बी के प्लेन में तो सी कितना हो जाएगा लैमडा टाइम्स बी क्रॉस ए क्रॉस बी राइट तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल आएगा अपना तो अपन ये वाली अप्रोच को फॉरगो कर देते हैं और यहाँ से VTP से ही स्टार्ट करते हैं तो सी इज इक्वल टू लैमडा टाइम्स ये बन जाएगा अपने पास बी डॉट बी ए बार माइनस बी डॉट ए बी बार अच्छा लैमडा टाइम्स बी स्क्वायर तो फोर और फाइव फाइव ए बार माइनस बी डॉट ए माइनस टू प्लस वन माइनस वन बी बार लैमडा टाइम्स फाइव ए प्लस बी कर रहे हैं हम तो माइनस फाइव प्लस टू दैट इज माइनस थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस फाइव के कैप प्लस के कैप दैट इज सिक्स के कैप तो हमारे पास ये सी बार दिया हुआ है ओके okay. अब ए डॉट सी सेवन दे रखा है तो इसका ए से डॉट कर लेते हैं तो अगर हम ए से डॉट करेंगे तो ये बन जाएगा थ्री प्लस फाइव प्लस सिक्स यानी कि इलेवन फोटीन तो लैमडा हमारे पास हाफ आ गया तो ऑल इन ऑल सी हमने अब निकाल लिया है हाफ टाइम्स ये वाली क्वांटिटी माइनस थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस सिक्स के कैप ठीक है ये हाफ है तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बार प्लस बी बार टू आई कैप सॉरी आई कैप माइनस थ्री बाई टू आई कैप तो आई कैप माइनस थ्री बाई टू आई कैप माइनस हाफ आई कैप जे कैप प्लस जीरो जे कैप जे कैप जे कैप प्लस के के कैप लिए देखेंगे तो दोनों का एडिशन से टू के कैप प्लस थ्री के कैप दैट इज फाइव के कैप और हमसे ये पूछा गया था तो हम ये समझते हैं कि दिस इज अजी टास्क अगर इसका मॉड लेंगे मॉड का स्क्वायर इज वन बाय फोर प्लस फोर्टी नाइन बाय फोर प्लस ट्वेंटी फाइव एंड देन यू कैन द दोप्रिएट आंसर आई विल रेट दिस प्रॉब्लम टफ मैं इसको मॉडरेट से टफ में मानूंगा क्योंकि अगर हम ये करने जाएंगे तो इट विल इंटेल टाइम और हो सकता है काफी बच्चों को वीटी पी स्ट्राइक ना करे तो अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन से जाएंगे तो इट विल टेक लिटिल टाइम नॉट अलॉट लेकिन मेन्स के हिसाब से इट विल बी मॉडरेट टू टफ प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का था बच्चों अच्छा ये इंटीग्रेशन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये पढ़ाया जाता है कि अगर डिनोमिनेटर साइन टू थीटा है ऊपर साइन प्लस माइनस कॉस है तो हमें इंटीग्रल ऑफ द न्यूमरेटर को टी डालना होता है इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको टी डाल तो जो डी है वो जाहिर सी बात है थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा बन जाएगा तो जो इंटीग्रल है वो आ जाएगा डी टी अपॉन एट माइनस स्क्वायर करेंगे तो टी इक्वल टू साइन टू थीटा राइट तो साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस वन तो यहां पर रख देते हैं अपन टी स्क्वायर माइनस वन तो ये साइन इनवर्स के अंदर इंटीग्रेशन का एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला बन गया तो ये बन जाएगा हमारे पास वन बाय थ्री साइन इनवर्स राइट वन बाय थ्री नहीं साइन इनवर्स एक्स बाय बाय थ्री वेट दैट इज साइन इनवर्स टी बाय थ्री प्लस सी अच्छा अब जो टी है वो बैक सब्सटीट्यूट कर दें तो साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय थ्री ये एक्सप्रेशन आ गया राइट right? इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू वन आ रही है बी की वैल्यू थ्री आ रही है तो ए वन आ गया और बी थ्री आ गया एप्रोप्रिएटली वन कॉमा थ्री हम मार्क कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन भी मॉडरेट uh, से टफ में है मॉडरेट लेकर चलते हैं है ये स्टैंडर्ड लेकिन स्ट्राइक करना कि ये साइन टू थीटा का फॉर्म है वो एक मुद्दा हो सकता था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी ये फंक्शंस चैप्टर पे था आपको एफ एक्स लीनियर दे रखा है और जी एक्स लीनियर बाई लीनियर दे रखा है और अब इसका नेचर पूछा है क्लासिफिकेशन वन वन ऑन टू याद करो जी एक्स की रेंज क्या वन वन ऑन टू की बात करते हैं पहले अगर आपके पास एक एच एक्स फंक्शन है एफ ऑफ जी एक्स फॉग अच्छा जहां पर जी भी वन वन है ध्यान रहे लीनियर बाई लीनियर वन वन होता है और ये तो है ही वन वन तो अगर ये भी वन वन ये भी वन वन तो पूरी की पूरी चीज वन वन होती है अगर कोई ये भूल गया है तो प्रूफ समझ लेते हैं एच एक्स वन बराबर एच एक्स टू ये करके देखते हैं तो एफ ऑफ जी एक्स जी ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स टू राइट अब हमें ये क्लियरली नोन है कि एफ वन वन है तो दिस इंप्लाइज जी ऑफ एक्स वन बराबर जी ऑफ एक्स टू एंड दिस इंप्लाइज क्योंकि जी बी वन वन है एक्स वन बराबर एक्स टू तो हमने पाया कि यदि एच एक्स वन बराबर Hx2 है, तो टू तो 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 इसकी रेंज क्या है अपने को फॉक की रेंज निकालनी पड़ेगी ना इसकी रेंज क्या है तो लीनियर बाय लीनियर की रेंज क्या हो जाएगी आर माइनस एक्स जब इन्फिनिटी है वो वाली वैल्यू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू वन है एक से डिवाइड करके देख सकते हैं राइट तो जी का आउटपुट आर माइनस वन है तो ये एफ का इनपुट है अच्छा एफ का इनपुट अगर आर होता तो रेंज आर आती लेकिन वन नहीं डाल पाएंगे एक्स बराबर वन एफ का इनपुट वन नहीं होगा तो अगर इनपुट वन है तो ये वैल, इस एफ का आउटपुट क्या है वन तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी इसकी रेंज हो जाएगी आर माइनस वन यानी कि ये फंक्शन क्या बन गया इन टू राइट तो ये वन वन भी है और ये इंटू बी है तो द करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड चॉइस ठीक है ये अगेन एक मॉडरेट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स ने इसको सही कर लिया होगा नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी थ्री डायमेंशन का क्वेश्चन है तो हमें एक प्लेन दे रखा है पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं ये एक प्लेन दे रखा है आपको और ये एक लाइन दे रखी है लाइन का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसको पी बोल देते हैं नहीं उसको क्यू बोल देते हैं क्यू फिर एक पॉइंट पी अलग दे रखा है ये पॉइंट पी येरा वन वन नाइन ठीक है ये पॉइंट पी दे रखा है फाइन अब इन्होंने ये पूछा है कि डिस्टेंस बताना है पी क्यू का अच्छा लाइन दे रखी है प्लेन दे रखी है तो आपको पहले तो पॉइंट सॉल्व करना पड़ेगा तो जनरल पॉइंट कैसे निकालेंगे इस लाइन पर लैमडा मानेंगे तो जो Q पॉइंट है उसको अपन क्या लिख सकते हैं लैमडा प्लस थ्री टू लैमडा प्लस फोर टू लैमडा प्लस फाइव है ना ये क्यू पॉइंट है अब इसको इस प्लेन में डाल देते हैं तो प्लेन में डालेंगे तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड तो ये कितना बन जाएगा फाइव लैमडा प्लस सेवन ट्वेल्व ट्वेल्व दिस इज इक्वल टू सेवनटीन यानी कि लैमडा आ गया हमारे पास वन नीट एंड टाइडी सो जो q पॉइंट है वो हमारे पास कितना आ गया लैमडा को वन डालेंगे तो फोर सिक्स सेवन और अब हम पी क्यू का डिस्टेंस निकाल सकते हैं right? राइट दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इजी प्रॉब्लम दैट जे आस्ट तो होप फुली ये भी सब बच्चों का हो गया होगा तो बच्चों ये सर्कल्स चैप्टर से प्रॉब्लम है अब प्रॉब्लम क्या है पहले देख लेते हैं वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल एक सर्कल तो गिवन है तो एक सर्कल बना लेते हैं पहले ये सर्कल गिवन है और इसका सेंटर जो की आइडेंटिफायर्स हैं सर्कल के वो हमेशा मार्क कर लेने चाहिए वन कॉमा थ्री है और जो रेडियस है नाइन प्लस वन टेन टू तो रेडियस टू है अब क्या दिया हुआ है इसका एक डायमीटर मे बी ये और अब ये बोला गया है कि एक सर्कल है C2 तो कोई और सर्कल रहा होगा जो इसको काट रहा है कॉमन कॉर्ड है दैट इज ठीक है इसका सेंटर 2.1 है ये 2.1 दिया हुआ है और अब तुमसे पूछा अब हमसे पूछा गया है कि भाई इस सर्कल का रेडियस क्या होगा तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा करेक्ट ना हमें जैसे फिगर बनाया शायद सोल्यूशन अपने आप ही समझ में आ रहा होगा ये परपेंडिकुलर होगा राइट right? तो ये टू कॉमा वन है ये वन कॉमा थ्री है इसको मैं सी टू बोल देता हूँ इसको मैं सी वन बोल देता हूँ ये ए है ये बी है तो क्लियर फिगर बन जाए इसलिए यहाँ पर एक आर्टिकुलेटेड वे में लिख देता हूँ ये हमें निकालना है रेडियस ये इसका रेडियस टू है तो ए सी वन ये टू है और ये डिस्टेंस फॉर्मूले से ये क्या था वन कॉमा थ्री ये वन कॉमा थ्री था तो डिस्टेंस फॉर्मूले से कितना आ वन प्लस टू का स्क्वायर दैट इज दन प्लस टू का स्क्वायर तो ये रूट फाइव है राइट right? तो आर स्क्वाज इक्वल टू फाइव प्लस फोर आर इज इक्वल टू थ्री तो ये हम इसे सिंपल ज्योमेट्री से करेंगे तो बेटर डील है बाकी ऑफकोर्स जस्ट मैं ब्रीफ में बता देता हूं हो सकता है कुछ बच्चों के मन में ये भी आ सकता है कि सेंटर दे रखा है रेडियस पूछा है तो जो एस टू सर्कल है इसको हम एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर बराबर आर लिखें, करेक्ट अच्छा अब ये जो सर्कल है इसको हम एस वन माइनस एस टू कर दें और इसमें क्या सेटिस्फाई करा दें सेटिस्फाई ये कॉमन कॉर्ड है ये कॉमन कॉर्ड इसके डायमीटर है तो इसका जो सेंटर है वन कॉमर थ्री वन को थ्री सेटिस्फाई करा देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा तो हम प्योर कोऑर्डिनेट के तरीके से भी जा सकते हैं और हम इस तरीके से भी कर सकते हैं तो ये एक मॉडरेट प्रॉब्लम है और स्कोरिंग है मेरे हिसाब से तो ये